हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे रूम हीटर ब्लोअर कनेक्शन डायग्राम इन बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो रूम हीटर यूज़ करते हैं रूम को हीट करने के लिए कोल्ड डे में, ठीक है, तो उसका कनेक्शन कैसा होता है अंदर में, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारा कॉम्पोनेंट पड़ा हुआ है जो हीटर के अंदर लगा होता है। यहाँ पर आपका बाइमेटालिक स्ट्रिप होता है, ये क्या होता है हीट होने के बाद ऑटोमेटिकली स्विच ओपन हो जाता है और ये फ्यूज़ होता है। तो इसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है, वो नेक्स्ट डे अपलोड होगी। तो आप आइए आज कनेक्शन डायग्राम ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम फेस सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। फेस सप्लाई आपका थर्मोस्टेट पे कनेक्ट होता है, आपको इस पॉइंट पे कनेक्ट नहीं करना है, तो ये तो आउटर बॉडी पे सप्लाई चला जाएगा, ठीक है, तो इसका कोई वर्क नहीं होगा, ये नट को लगाने के लिए होता है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट से हम लेंगे, दूसरे पॉइंट से लेके हम क्या करेंगे सबको सप्लाई दे देंगे। तो ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं जो कूल वाला है, मतलब जिससे हम फिर फैन चलाते हैं उसको सप्लाई देंगे, ये सप्लाई वाला लेके डायरेक्ट हम फैन को दे देंगे। तो इससे आपका फेज मिल जाएगा फैन को। अब उसके बाद हम न्यूट्रल भी दे देते हैं, तो न्यूट्रल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मोटर को कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आपका सप्लाई आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें तो थर्मोस्टेट हीट होने का कोई बात ही नहीं है, तो आपका फ़ैन चलने लग जाएगा कि फ़ैन को आपका लाइव न्यूट्रल मिल गया। अब उसके बाद इंडिकेटर भी तो ग्लो करना चाहिए आपका, ठीक है, और अर्थिंग भी कनेक्ट करना है, तो अब हम अर्थिंग कनेक्ट कर देते हैं। अर्थिंग जानते हैं जितना भी मेटालिक बॉडी होता है उस पर कनेक्ट करते हैं, तो हम मोटर का जो मेटालिक बॉडी है उस पर हम अर्थिंग कनेक्ट कर देंगे, ताकि कुछ भी करंट लीकेज होगा तो अर्थ के थ्रू विड्रॉ हो जाएगा। और अब हम इंडिकेटर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही फैन चलेगा तो आपका इंडिकेटर भी ग्लो करना चाहिए, तो हम इंडिकेटर को फेज दे देते हैं और न्यूट्रल दे देते हैं, तो फेज और न्यूट्रल मिलेगा, आपका इंडिकेटर भी ग्लो हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि वार्म कंडीशन में जाते हैं, तो वार्म कंडीशन को लगाते हैं, तो वार्म कंडीशन से स्विच कनेक्टेड होकर इसका फर्स्ट पॉइंट को चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका दो पॉइंट होता है, एक वार्म के लिए होता है, ये वार्म के लिए होता है, ये हॉट के लिए होता है। तो वार में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉइल कनेक्टेड होता है, और जब हॉट होता है तो एक और दो, ये दोनों सारा कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या होता है, हॉट मिलता है। तो अब उसके बाद हम हॉट का कंडीशन देखते हैं, ठीक है, तो आपका हॉट के लिए हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली आपका यही छोटा सा कनेक्शन है जो आपका रूम हीटर ब्लोअर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसानी तरीके से मैंने बताया है, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए।